Hello kids, so ready to start a new chapter of social studies with your learning buddy Aprajita. So here we start the book Jelly Bean Journeys in Social Studies Class 8 by Brain Root series. And children, the chapter we are going to do is chapter number 4. Kya hai is chapter mein? Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. गोल्डन एज का क्या विजन था दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्राइबल्स एंड डिकूज सम एंड सब्सटेंस द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द चेंजेस इन द ट्राइबल लाइफ अंडर कॉलोनियल रूल कॉलोनियल रूल में जो चेंजेस आए ट्राइबल लाइफ चल रही थी उसमें जो चेंजेस आए उसके बारे में अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन ट्राइबल्स हाउ डिसकंटेंटमेंट लेड टू ट्राइबल रिवोल्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया नाउ जस्ट फाइंड आउट आइडेंटिफाई द वुमन शोन इन द पिक्चर शी बिलोंग्स टू संथाल कम्युनिटी One of the India's largest group. Write what you know about her. आप पहचानते हैं इस पिक्चर को देखिए Can you recognize who is she? Yes, she is the president of India and she was elected as president in 2022. Since then she is serving as the president of our country India. And she belongs to Santhal family. Santhal community, sorry, repeating this line. And she belongs to the Santhal community. Santhal is a tribe. A tribe is a group of people united by a common name, language and culture. अब ये tribe क्या होता है? पहले तो ये समझे हम कि tribe होती क्या है? Tribe एक group होता है लोगों का, जो कि जिसमें कि common नाम होता है उस group का और लैंग्वेज सेम होती है और कल्चर जो है वो भी कॉमन होता है ऑल हु शेयर कॉमन टाइज ऑफ किनशिप आर सपोज टू बिलोंग टू द सेम ट्राइब ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज आदिवासी ट्राइबल्स को आदिवासी भी कहा जाता है ईच ट्राइबल सोसाइटी हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉमन रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम्स एंड इट्स ओन लैंग्वेज उनका हर एक ट्राइब का अपना उनकी एक सोसाइटी होती है और कॉमन रिचुअल्स फॉलो करते हैं कॉमन रिचुअल्स और कॉमन बिलीव्स होते हैं और उनकी लैंग्वेज भी एक अपनी ही कॉमन लैंग्वेज होती है इन प्री ब्रिटिश टाइम्स दीज ट्राइबल्स यूजुअली इनहैबिटेड द फर्टाइल हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश टाइम में ये ट्राइबल्स जो थे वो कहाँ रहते थे फर्टाइल हिली एरियाज जो थे वहाँ और जो फॉरेस्टेड रीजन्स थे इंडिया के वहाँ रहते थे दे सर्वाइव्ड मेनली बाय हंटिंग गैदरिंग एंड बाय प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन हंटिंग गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके वो सर्वाइव करते थे द ट्राइबल्स डिपेंडेड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट से नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिलता था उसी से वो उस पर डिपेंडेंट थे दे लिव्ड इन एंड हैड कस्टमरी राइट्स ओवर इट एंड इट्स प्रोडक्ट्स इंडिया हैज़ बीन होम टू सेवरल ट्राइब्स इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं लाइक द कोंट्स मुंडास संथाल्स एंड खासीज चेंजेस इन द ट्राइबल लाइफ आफ्टर अंडर द कॉलोनियल रूल अब कॉलोनियल रूल के अंडर ये सब ट्राइब्स ट्राइबल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम मोर लैंड्स वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन अब जब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम उसमें क्या होता था ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन के काम में लाए जाते थे इन अ बिड टू कल्टीवेट मोर लैंड द ब्रिटिश ऑफन ड्रोव अवे द ट्राइबल्स फ्रॉम देयर फॉरेस्ट लैंड्स अब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जब खरीदा जाता था तो ब्रिटिश क्या करते थे जब उनको ज़्यादा लैंड पे कल्टीवेशन करना होता था तो वहाँ जो ट्राइब्स थे ट्राइबल्स रहते थे उनको वो भगा देते थे वहाँ से मोर ओवर दीज फॉरेस्ट वर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड टिम्बर सो द ब्रिटिश इंटरफेयर इन ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटिंग नेचुरल रिसोर्सेज और ये ट्राइबल्स रहते ही उस जगह पे थे जहाँ पे
रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिलते थे, तो वहाँ से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको वहाँ से भगा देते थे जिससे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें. द ओपनिंग ऑफ माइंस एंड इवन अ फ्यू फैक्ट्रीज इन द हार्ट ऑफ ट्राइबल एरियाज प्रोवाइडेड वेज लेबर एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द ट्राइबल्स. लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे जब माइंस ओपन हुई और कुछ फैक्ट्रीज भी खुली जहाँ ट्राइबल्स रहते थे, तो वहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिली एम्प्लॉयमेंट की. बट दिस ऑल्सो ब्रॉट इंक्रीजिंग डिस्टिट्यूशन एंड डिसप्लेसमेंट. कपल्ड विद दिस द ट्राइबल, नाउ दिस इज अ मैप शोइंग द एरियाज इनहैबिटेड बाय ट्राइबल्स इन इंडिया इन द कॉलोनियल पीरियड. सो इन कंटिन्यूएशन विद दिस, कपल्ड विद दिस द ट्राइबल lands were now accessible to money lenders. अब क्या हुआ, जो tribal lands थे वो किसके पास चले गए, money lenders के पास, traders and zamindars इन तीनों के पास चले जाते थे, who set up business in the tribal areas. और वो क्या करते थे, in tribal areas में अपना business set up कर लेते थे. They would also offer loans to tribals and failure to return the loan often resulted in the tribals losing out their land to the money lenders. और क्या होता था, वो जो ज़मींदार थे या मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स, वो क्या ऑफ़र करते थे, लोन ऑफ़र करते थे ट्राइबल पीपल को, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए. एंड अगर वो लोन नहीं वापस कर पाते थे वो ट्राइबल्स, तो वो क्या करते थे, वो जो लैंड होता था उनका ट्राइबल्स का, वो मनी लेंडर्स ले लेते थे. After the British came to power, the forest policy of the British government was more inclined towards commercial considerations than human interest. अब जब British power में आई India में, तो जो उनकी forest policy थी British government की, उसमें वो ज़्यादा झुकाव किस तरफ था, commercial considerations उनकी ज़्यादा थी, लेकिन human interest की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. Some forests which fell within the regions of tribals were declared as reserved forests. और कुछ forests जो कि tribal regions में आते थे, वो forests, उन forests को क्या declare कर दिया गया, reserved forests. Here only authorized contractors were allowed to cut timber and forest dwellers were banned from carrying out any economic activity. अब जो लैंड उनके उसमें आता था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो थे, वहाँ पे ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर्स ही अलाउड थे टिम्बर कट करने के लिए, वही टिम्बर कट सकते थे और कट कर सकते थे. और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उन पे बैन लगा दिया गया था कि वो किसी तरह की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेंगे वहाँ. देयर वॉज नो कंपनसेशन ऑफर्ड इन इट्स प्लेस, और इसके जगह पे कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया गया उनको. The expansion of railways in India heavily devastated the forest resources in India. और जो इंडिया में रेलवेज का जब एक्सपेंशन हुआ, रेलवे लाइन्स चली, तो इससे जो इंडिया के फॉरेस्ट थे, जितने भी फॉरेस्ट थे, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हेविली डिवेस्टेटेड हो गए, डैमेज हुए. द गवर्नमेंट स्टार्टेड रिजर्विंग टीक, साल एंड देवदार फॉरेस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेलवे स्लीपर्स. और रेलवे स्लीपर्स के मैन्युफैक्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या रिजर्व करना स्टार्ट किया, टीक, साल और देवदार फॉरेस्ट को. फॉरेस्ट लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज दैट हैड प्रोवाइडेड लाइवलीहुड टू द ट्राइबल्स वर नाउ एक्सप्लॉइटेड, सो दिस रिजल्टेड इन ट्राइबल लाइफ बीइंग ग्रेटली डिस्टर्ब. अब तक जो फॉरेस्ट लैंड और जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज ने इन ट्राइबल्स को लाइवलीहुड दिया था, जीने का एक साधन था उनका, वो उनसे छिन गया था, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो ट्राइबल लाइफ थी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. इफ़ेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन ट्राइबल्स, अब इस कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट क्या हुआ ट्राइबल्स पे. द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स रिवॉल्व अराउंड फॉरेस्ट. अब ट्राइबल्स तो पूरा डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, उनकी उनका जो जीवन था वो उसी के चारों तरफ घूमता था फॉरेस्ट के. By the mid-19th century, the British took over huge tracts of forest. Forests were rich in many resources, especially timber. Especially timber जो था उसमें forest बहुत rich था. Timber was required for laying railway lines and for building ships. अब timber की ज़रूरत कहाँ होती थी, railway lines बिछाने के लिए और किसके लिए, ship building के लिए.
ऑल फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी बाय द ब्रिटिश, और जितने भी फॉरेस्ट थे उनको स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश ने. सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस टिम्बर वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कुछ फॉरेस्ट जो टिम्बर प्रोड्यूस करते थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया. पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली विद इन दीज रिजर्व फॉरेस्ट, और लोगों को परमिशन नहीं थी कि वो इन फॉरेस्ट के अंदर मूव करें. दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग फ्रूट्स और हंटिंग एनिमल्स फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट, और रिजर्व फॉरेस्ट से उनको ये भी परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ से कोई फ्रूट तोड़ें या हंटिंग करें उस फॉरेस्ट में. द ट्राइबल्स डिड नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप राइट्स. अब ट्राइबल्स के पास कोई ओनरशिप राइट्स का तो कंसेप्ट था नहीं. द ब्रिटिश मैनिपुलेटेड द सिचुएशन एंड टुक अवे देयर लैंड्स, और ब्रिटिश ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने उनके जितने भी लैंड थे ट्राइबल्स के वो उनसे ले लिए, क्योंकि ट्राइबल्स नेवर न्यू की ओनरशिप क्या होती है. द ट्राइबल्स आइदर केम अंडर द डेट ऑफ द मनी लेंडर्स और बिकेम लैंडलेस लेबर्स. अब क्या हुआ, ट्राइबल्स जो थे जब उनसे उनके लैंड छिन गए तो वो बहुत उधार हो गया उन पे, डेट के अंदर आ गए और वो लैंडलेस हो गए, लैंडलेस लेबर्स बन गए. When the loan to the money lender could not be paid on time, the interest rate rose and this led to a debt which passed on from one generation to the other. अब क्या हुआ, जो money lender से जो लोन लिया था उसको अगर टाइम पे नहीं पे कर पाए ट्राइबल्स तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलता चला गया, वो उधार चढ़ता चला गया. एंड देन वॉट हैपेंड, उसका इंटरेस्ट रेट, उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट अगर नहीं पे कर पाते थे लोन को तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता था, जिस कारण वो डेट कभी भी पूरा नहीं हो पाता था, कभी भी चुकता नहीं हो पाता था और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जाता था. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू लॉज इन द फॉरेस्ट एंड द ट्राइबल्स वर नॉट हैप्पी विद चेंजेस इन लॉज. और ब्रिटिश ने नए लॉज लगा दिए फॉरेस्ट में जिससे कि ट्राइबल्स बिल्कुल खुश नहीं थे. They disliked restrictions on their traditional practices. अब जितने भी वो तो पहले फ्रीली रहते थे वहाँ पे फॉरेस्ट में, कोई रोक टोक नहीं थी उन्हें, लेकिन अब जब रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे वो उससे बहुत नाखुश हुए. They disliked paying new taxes. वो न्यू टैक्सेस भी नहीं पे करना चाहते थे. They were also angry at exploitation by traders and money lenders. जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स उनका एक्सप्लॉटेशन कर रहे थे उससे भी उन्हें बहुत नाराजगी थी, बहुत गुस्सा थे वो. नाउ दे वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस फॉर यूजिंग द लैंड व्हिच फ्रॉम टाइम्स इममेमोरियल हैड बीन देयर्स. अब क्या हुआ था, अब उनको उस लैंड के लिए पे करना पड़ता था जो कितने टाइम से उनका था, वो रहते थे वहाँ पे, वो यूज करते थे उसे, ट्राइबल्स यूज करते थे. There was considerable involvement of the missionaries in the socio-religious life of the tribals. अब tribals के socio-religious life में missionaries का interference होने लगा. The tribals felt that their way of life was being questioned by their new ways. और tribals को लगने लगा कि उनका ये जो new ways आए हैं उससे उनके रहने के, उनका जो तरीका है उस पर question mark लग रहा है. Interpretation. There are almost 50 million tribal people. How many tribal people are there? Almost 50 million tribal people living in the rainforest of the world. World ke jo rainforest hai wahan pe there are about 50 million tribal log rehte hain. These people depend on the forest for their food and shelter. Now status of tribal chiefs under the British rule. अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो ट्राइबल चीफ्स थे उनका क्या स्टेटस था. ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल इन ट्राइबल सोसाइटीज. ट्राइबल सोसाइटीज में जो ट्राइबल चीफ था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था. दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर. दे ऑल्सो हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज. उनके पास ये पावर था ट्राइबल चीफ्स के पास कि वो अपने टेरिटरीज का को कंट्रोल कर सकें, उसको एडमिनिस्टर कर सकें. Some tribal chiefs had their own policies. और कुछ tribal chiefs ऐसे थे जिनकी अपनी ही अलग policy थी. They decided on local rules for forest and land management. वो क्या decide करते थे, local rules, forest के local rules और land management के बारे में. The status of tribal chiefs changed significantly during the British rule. और British rule में क्या हुआ, tribal chiefs का जो status था वो बदल गया.
They lost their administrative powers with the advent of the British in the tribal belts. और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के कारण क्या हुआ, जो ट्राइबल चीफ्स थे उन्होंने अपना, उनके पास जो पावर थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो खो दिया उन्होंने. दे वर फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश. वो अपने लॉज नहीं फॉलो कर पाते थे ट्राइबल चीफ्स, उनको ब्रिटिश द्वारा बनाए गए लॉज फॉलो करने होते थे. दे कुड स्टिल कीप देयर टाइटल्स एंड कुड रेंट आउट लैंड्स. वो अपना टाइटल रख सकते थे और लैंड को भी रेंट आउट कर सकते थे. They had to pay tribute to the British. British को उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता था. Keeping the tribal groups in discipline on behalf of the British became their responsibility. और British के behalf पे अपने tribal groups को discipline में रखना उनकी एक जिम्मेदारी बन गई थी, उन tribal chiefs की. Because of the loss of authority, they were not able to fulfill their traditional functions. और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो खो चुके थे वो अथॉरिटी, जिस कारण वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को नहीं कर पाते थे. डिसकंटेंट ऑफ ट्राइबल्स. अब ट्राइबल्स में जो असंतोष फैला, क्या था वो, कैसे था. ट्राइबल्स वर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फोर्सेस ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट देयर इलिटरेसी, इग्नोरेंस एंड नॉलेज ऑफ द रिच नेचुरल रिसोर्सेज. अब ट्राइबल्स जो थे वो हमेशा ही लड़ते रहते थे किन से, फोर्सेस के साथ, जो उन फोर्सेस के साथ जो उनको एक्सप्लॉयट, उनकी इलिटरेसी को, जो अनपढ़ थे वो, उसको वो एक्सप्लॉयट करते थे जो लोग, या इग्नोरेंस, या जो नॉलेज था उनको, उनके क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नॉलेज था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में वो ट्राइबल्स को ही था. डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स, एलिनेटेड फ्रॉम देयर लैंड्स एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर रिसोर्सेज, द ट्राइबल पीपल ऑफन रिजॉर्टेड टू आर्म्ड रिवोल्ट इन द पास्ट. और इस कारण क्या हुआ, इन सब चीज़ों के चलते बहुत सारे आर्म्ड रिवोल्ट्स भी हुए थे पास्ट में, इन ट्राइबल्स ने किए थे. इन द रामपर रीजन ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट 12 ट्राइबल रिवोल्ट्स लोकली कॉल्ड फिचरीज अकर्ड बिटवीन 1770 एंड 1924. 1770 और 1924 के बीच में 12 ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे. The main cause of these were the general discontent with the local administration and traders. और इसका कारण क्या था, जो एक general अविश्वास, जो असंतोष जो फैला था किसमें, local administration और traders के बीच, तो उससे ये जो exploitation हो रहा था उनका, उसी कारण ये revolts हुए. One revolt between 1879 and 1916 was against the creation of forest reserves and restrictions on tribal people's access to the jungles. क्योंकि tribals को घुसने नहीं दिया जाता था उन reserved जो forest थे वहाँ पे, तो इस कारण ये revolt हुआ था. Tribal unrest and discontent with the administration continued in independent India too. अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया आज़ाद हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ, तब भी ये डिसकंटेंट चलता रहा ट्राइबल्स में. द इंडवेली इंसिडेंट ऑफ 1981 वॉज ट्रिगर्ड बाई लैंड एलिएशन एंड लार्ज स्केल एंट्री ऑफ एग्रेसिव एंड एक्विसिटिव नॉन ट्राइबल कम्युनिटी. संथाल रिवोल्ट. Now comes the Santhal revolt. Before we start this, let's do some spot inspect, and after that we'll read about the Santhal revolt. What do you mean by tribe? Tribe is a social group made up of families or communities. Give the names of three tribal groups in India. The three tribal groups in India are Santhals, Garos and Khasis. Who are tribals? कौन होते हैं ट्राइबल्स? ट्राइबल्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ डिफरेंट कल्चर, हु हैव देयर ओन डिफरेंट कल्चर, देयर ओन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड देयर ओन वे ऑफ लिविंग एंड ओन लैंग्वेजेस टू. व्हाट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट? डेजिग्नेटेड एरियाज ऑफ लैंड वेयर द नेचुरल हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ आर protected by law are known as the reserved forests. Where did Santhals inhabited? The Santhals inhabited in Chota Nagpur Plateau, Bengal and Bihar. Fine children, now we start with the Santhal revolt. The Santhals inhabited some parts of the Chota Nagpur
Plateau, Bengal and Bihar. The Santhal rebellion was as much against the British policies and revenue officials as it was against the operation of outsiders like the zamindars and money lenders who were known as dikus. Abhi jo Santhal rebellion tha, ye kiske against tha? British policies ke against tha, aur jo revenue officials se unke against tha. Under the leadership of two brothers, Sindhu and Kanhu, they met in large number in June 1855. अब देखिए स्टैचू ऑफ सिद्धू एंड कान्हू. तो ये सिद्धू और कान्हू इन दोनों के लीडरशिप में क्या हुआ था, ये दोनों ब्रदर्स थे, दे वर ब्रदर्स, उनके लीडरशिप में बहुत सारे सांथाल्स मिले एक साथ. कब? जून 1855 में. दे कट ऑफ पोस्टल एंड रेलवे कम्युनिकेशंस बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल एंड वर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस एरिया. अब इन दोनों ने मिलके बाकी संथाल्स के साथ क्या किया, रेलवे कम्युनिकेशन और पोस्टल से कट ऑफ कर दिया, इन दोनों कम्युनिकेशन से कट ऑफ कर दिया. और कहाँ के, किस किस जगह के बीच, भागलपुर और राजमहल के बीच, और वो पूरा जो एरिया था उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. आर्म्ड विथ सोर्ड्स एंड पॉइजन्ड एरोज दे अटैक्ड एवरी आउटलाइंग यूरोपियन बंगलो एंड किल्ड सम ब्रिटिश रेलवे एंड पुलिस ऑफिशियल्स. और उनके पास क्या थे, आर्म्स क्या थे उनके पास, सोर्ड्स, तलवार और पॉइजन एरोज थे. और उससे उन्होंने अटैक किया, हर एक यूरोपियन बंगलों पे अटैक किया और कुछ ब्रिटिश रेलवे एंड पुलिस ऑफिसर्स को भी मार डाला. द संथाल्स मेनली यूज द टैक्टिक्स ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर, और उनका एक टैक्टिक यूज करते थे वो वॉर के टाइम पे, गोरिल्ला वॉरफेयर. The authorities were taken by surprise and panic-stricken people fled by the thousands. अब जो authorities थे वो बिल्कुल चौंक गए उनके इस attack से, surprise थे और panic के कारण वो बहुत thousands की संख्या में लोग भाग गए वहाँ से. When the rebels were pursued by the British forces, they took shelter in the thick jungles. और जब ये rebel को दबाया गया ब्रिटिश फोर्स द्वारा, तो उन्होंने कहाँ शेल्टर लिया, घने जंगलों में. टिल फरवरी 1856 दे शोड नो साइंस ऑफ सबमिशन एंड वर ओपनली एट वॉर विद द ब्रिटिश. 1856 तक तो उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले, किसने, ये जो ट्राइबल्स थे, और ओपनली वो वॉर करते थे ब्रिटिश के साथ. Finally, the British authorities launched a military campaign against the Santhals and crushed them. और finally, फिर British ने क्या किया, जब वो नहीं संभल रहे थे तो उन्होंने एक military campaign किया जिसमें कि बहुत, और उन Santhals के rebel को crush कर दिया. Their leaders were arrested and the movement came to an end. और जिनके leaders थे Santhals के, उनको arrest कर लिया गया और ये जो revolt था इसका अंत हो गया. बिरसा मुंडा, जी, ही इज बिरसा मुंडा. नाउ लेट्स रीड अबाउट हिम. बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न इन मिड 1870s. बिरसाज अर्ली चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ बोहुंडा इन द छोटा नागपुर रीजन, झारखंड. अब बोहुंडा में इनका जन्म हुआ था और अपना चाइल्डहुड उन्होंने उसी के जंगलों में गुजारा था. His father was very poor and hence he often had to move from place to place to look for work. अब बिरसा मुंडा जो थे उनके फादर बहुत पुअर थे, तो बिरसा मुंडा को क्या करना पड़ता था, जगह जगह जाना पड़ता था काम देखने के लिए. As an adolescent, बिरसा was influenced by many tales. बहुत कहानियों से इन्फ्लुएंस हुए थे वो अपने एडोलसेंस में. He heard tales of the Munda uprising of the past. पास्ट में मुंडास का कैसे अपराइज हुआ था उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी. ही ऑल्सो सॉ सिद्धार्थ लीडर्स अर्जिंग पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द अप्रेसिव ब्रिटिश राज. अब सिद्धार्थ को भी उन्होंने सुना था बोलते हुए कि वो रिवोल्ट अगेंस्ट द अप्रेसिव ब्रिटिश राज के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए. द सिद्धार्थ टेल्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन The Mundas were free of the operations of Dikus. Dikus means outsiders. They said that a time would come. अब जो मुंडास के लीडर थे उन्होंने क्या कहा था
कि दैट अ टाइम वुड कम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड. एक टाइम आएगा जब जो हमारे पुरखों के जो राइट्स थे, उस टाइम पे जो राइट्स मिले थे हमें, वो दोबारा से हमारे पास आ जाएंगे. बिरसा मुंडा वांटेड टू ब्रिंग इन मेजर सोशल रिफॉर्म्स टू द ट्राइबल सोसाइटी. और बिरसा मुंडा ट्राइबल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश में थे. हिज मूवमेंट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी. He wanted to remove the evils of drinking liquor, performing sacrifices of animals, worship of evil spirits, etc. इन सब गलत चीज़ों को वो हटाना चाहते थे. He totally opposed foreign influences that interfered with the traditional culture of the tribals. और जो traditional culture था tribals का, उसमें जो foreign influences से जो interference हो रहा था, उसको वो ख़त्म करना चाहते थे. It is said that Birsa claimed to have miraculous powers by which he could turn guns and bullets into water. ये कहा जाता है कि बिरसा के पास एक बहुत ऐसी एक miraculous power थी जिससे कि वो guns और bullets को पानी में बदल देते थे. Birsa won many followers. His slogan was Abu Raj Ete Jana, Maharani Raj Tundu Jana. Let the kingdom of the queen be ended and our kingdom be established. Kingdom of queen means the British. Uska khatm, wo khatm ho aur hamara jo kingdom hai wo establish ho. This was the slogan given by Birsa Munda. Now AI facts. Todsa Ashram School of Etapalli, Maharashtra has reportedly installed an AI-based machine to improve the nutrition level of the tribal students in Gadchiroli. अब एटापल्ली में जो टोडसा आश्रम स्कूल है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक AI-based मशीन इंस्टॉल की गई है जिससे कि न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव किया जा सके ट्राइबल स्टूडेंट्स का, गडचिरौली के ट्राइबल स्टूडेंट्स का. एंड ऑफ बिरसा मूवमेंट. अब बिरसा मूवमेंट का एंड कैसे हुआ? Birsa was arrested in 1895 and was jailed for 2 years. 2 saal ke liye unko jail mein dal diya gaya. After his release in 1897, he started to spread his ideas again. 1897 mein jab unko choda gaya, jail se bahar choda gaya, fir se wo apne ideas ko spread karne lage. People began attacking anything associated with outsiders. Aur log unke kehne pe kya karte the? Jo bhi outsiders hote the, us pe attack kar dete the. Birsa Munda died of cholera in 1900. After the death of Birsa, the movement fizzled out. Aur Birsa Munda jo the, unki death hui cholera se 1900 mein. Aur unke death ke baad jo unka movement tha, Birsa movement jo tha, wo end ho gaya. Causes of tribal resentment. A large number of tribal revolts took place during British rule. ब्रिटिश रूल के टाइम पे बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए. द प्राइमरी ग्रीवेंस ऑफ द ट्राइबल पीपल एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस वॉज द इंटरफेरेंस इन देयर कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ्स बाय द पीपल ऑफ द प्लेन्स और द ब्रिटिश. और ये रिवोल्ट होता ही इसलिए था कि वो उनका जो उनके जो लाइफ में जो इंटरफेरेंस हुआ था ब्रिटिशर्स का और जो लोग रहते थे प्लेन्स में, उससे ही ये रिवोल्ट जन्म हुआ. The British, instead of looking after their sufferings, supported the cause of the intruders. British उनके sufferings को नहीं देखते थे tribal people के, और जो intruders थे उनको support करते थे. None of these revolts succeeded, but they certainly exposed the fact that the British colonial rule was based on exploitation and thrived on the support of biased rules and regulations. कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को और वो बायस्ड होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में. नाउ द इंटरप्रिटेशन. द वॉर क्राई ऑफ बिहार रेजिमेंट इज बिरसा मुंडा की जय. जो बिहार रेजिमेंट है उसका जो स्लोगन है वो है बिरसा मुंडा की जय. The Bihar Regiment is an infantry regiment of the Indian Army. The regiment can trace its origin back to the British Indian Army. The Bihar Regiment was formed in 1941 by regularizing the 11th Territorial Battalion.
Now, the catalog, children. Adivasi. Let's read few words here. The meaning of few words. Adivasi. People living in the forest for thousands of years. जो लोग जंगलों में रह रहे हैं बहुत सालों से, thousands of years से, उनको कहा जाता है आदिवासी. Dikus. Dikus means outsiders. Reserved forest. A forest which was barred for tribals and other people. Kinship. Blood relationship. Moneylender. People who lend at high rates of interest. Exploitation. The act of using someone or something unfairly for your own advantage. अपने advantage के लिए दूसरे को use करना या दूसरे की चीज़ों को यूज करना अनफेयर तरीके से, उसे कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन. नाउ अ लुक ओवर टू दिस चैप्टर. अ ट्राइब डिनोट्स पीपल विद कॉमन कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड टेरिटोरियल टाइज. देयर आर मेनी ट्राइबल ग्रुप्स स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया कॉल्ड आदिवासीज. द ब्रिटिश व्यूड फॉरेस्ट एज इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. Two important tribal uprisings are the Santhal and the Munda uprising, which ended with laws being amended in the interest of the tribals. Birsa Munda was a prominent figure who fought for the rights of Mundas and also preached about reforms in the tribal society. Fine children, I hope you have understood it. Now, let's do the estimation corner here. Choose the correct option. Which tribe did the President of India belong to? अभी आपने चैप्टर के शुरुआत में ही देखा, हमने एक पिक्चर देखी थी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की थी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की. तो वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं? कौन? खासीज, मुंडाज, संथाल. शी बिलोंग्स टू द संथाल ट्राइब. ओके, सो वी टेक संथाल हियर. Next is Rampa Rebellion, also known as the first Rampa Rebellion, Phichuris, Santhal Rebellion, Manyam Rebellion. Rampa Rebellion ko aur kya, kis naam se jana jata hai? It's Phichuris. Who gave this slogan that Abu Raj Etejana, Maharani Raj Tundujana? Sidhu Birsa Munda, Tribal Chief Kanhu. It was given by Birsa Munda. In Dash, Birsa was put in jail. Kab jail mein dala gaya tha? Kab unko arrest kiya gaya tha Birsa Munda ko? 1699, 1799, 1895, 1999. He was arrested and put in jail in 1895. Birsa Munda belonged to which modern state of India? Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Uttarakhand. He belonged to Jharkhand, modern state of India. Now, children, the fill-ups. Fill in the blanks. The tribals commonly practiced dash and dash. Kya karte the tribals? What were in the practice? They practiced hunting and gathering. Hunting and gathering. Okay? The tribal chiefs had to follow laws made by the dash. किसके द्वारा बनाए गए लॉज को फॉलो करना पड़ता था ट्राइबल चीफ्स को? मेड बाय द ब्रिटिश. ट्राइबल्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज, दे आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज आदिवासीज. ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स डैश एंड डैश, द संथाल रेबेलियन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1855. कौन थे वो दो ब्रदर्स जिनकी लीडरशिप में संथाल रेबेलियन हुआ था? सिद्धू एंड कान्हू. द ब्रिटिश डैश द सिचुएशन एंड टुक अवे द लैंड. द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन, एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन एंड टुक अवे द लैंड. डैश सॉ सरदार्स urging people to revolt against the oppressive British Raj. Birsa Munda. Now, state whether the following statements are true or false. Land is individually owned by tribals. No, false. They just used the land
जो फॉरेस्ट लैंड होता था दे जस्ट यूज टू यूज इट. अंडर कॉलोनियल रूल द ट्राइबल्स लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशियंसी. यस ट्रू. मनी लेंडर्स चार्ज्ड हाई इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम द ट्राइबल्स. यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. Birsa believed that drinking liquor and believing in witchcraft and sorcery were social evils. Yes, true. Many tribal groups did not like the colonial forest laws and therefore revolted. Yes, जो tribal revolt का कारण ही यही था कि उनको colonial forest law नहीं अच्छा लगा था. So this is also true. The Santhals inhabited the territory of Bihar. True. Okay, children. Now let's match the following. Match column A with column B. Birsa Munda. Birsa Munda was from Jharkhand. Reserve forest. Reserve forest, the forest village. Then tribal leaders. Tribal leaders, Sirdars. Dikus. Dikus, the money lenders, and Birsa was arrested in 1895. Okay, children, so here we end up with the chapter, and I hope you had a great time reading this chapter. We had learned many new things from this chapter. We have learned about Birsa Munda, the Santhal leader, and our president is also from the Santhal tribe. So, children, thanks for watching the video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, be happy, stay blessed. Bye.